वजीर आला आप यहां? उल्लू ने आप दोनों को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। वैसे मियां बीवी की जोड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आका, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। मैं जानता हूँ चाचा कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब से कुछ ही देर में चांद निकलेगा और उस चांद की रोशनी सीधा जिनू पर लगे चांद मोहर के निशान पर पड़ेगी। और मुझे वापस बुला लो भाई। मेरा जिनू ठीक होने लगेगा और जैसे उसे होश आएगा जफर उसे राजे कायनात का दूसरा दरवाजा खोलने का हुक्म देगा, जिसे वो ना करेगा क्योंकि वो मेरा पुराना प्यारा और अच्छा जिनू बन चुका होगा। हाँ काली चोर, बस कुछ और लम्हों की बात है, रात होते ही शेख जिनू ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आका, आज की रात कुछ नहीं होगा, जिनू को ठीक होने में 786 रातें और लगेंगी। हाँ, जेनू पर चांद मोहर का निशान लगाने से उसका अच्छा होना शुरू तो हो गया है, पर इसमें वक्त लगता है। उसकी रूह और मोहर दोनों का रंग अभी काला है, वो चांद से सफेद तो होंगे। जेनू अच्छा होगा पर 786 रातें बाद। पर इतना वक्त हमारे पास नहीं है। अगर जिनू ठीक नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिनू के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। होश आने पर अगर जिनू के अंदर की बुराई अच्छाई पर हावी हो गई तो वो राजे कायनात का दूसरा दरवाजा खोल देगा। हम सब जानते हैं कि पहला दरवाजा खुलने पर हैवाने इब्लिस ने क्या क्या किया था। कुछ ही दिनों में पूरे बगदाद में उसने आतंक फैला दिया था। हम ना जाने दूसरे दरवाजे के पीछे कौन सी नई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होगी। हम बगदाद की दुनिया को इस अनजान आतंक से कैसे बचाएंगे। और चाचा, तुमने भी ये बात इतनी देर बाद बताई। आका, हमने आपको बताने की बहुत कोशिश की पर जब भी हम कुछ बोलने जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता था, और आप चांद मोहर की बात सुन के इतने खुश हो गए थे कि आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा बहुत काम आया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई मेरी बात तो सुनो। आका, हमारा 1500 चाचा अभी नहीं। जिनू को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। 786 दिन तक हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आका, मेरी अंगूठी मुझे इशारा कर रही है, जिनू को होश आ गया है। वो देखिए, हमें बगदाद में बर्फ का तूफान लाना है, राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक हमें पहुंचना है। कैसे होगा
कैसे होगा? आलसी जिन, खुदा के वास्ते उठो, खुदा के वास्ते उठ जाओ, आलसी जिन, उठाओ। उठ गया। कौन उठ गया? वजीर आला जुनैद मियां उठ गए। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल, चल के देख लीजिए। चलिए। उठो गुलगुले, लिल्ले तलबूज, उठो उठो उठो। तुम उठोगे तभी तो मेरा काम बनेगा, है ना? है ना? आपको कोई काम काज, कोई धंधा, घर बार वगैरह कुछ नहीं है? नाजनीन का काम धाम, घर बाहर सब कुछ आप ही हैं। दफा हो जाओ। पर आप पर अपने पैरों में लगाइए, थोड़ी सी उड़ान हासिल कीजिए और चलते बनिए यहाँ से। चलिए। ठीक है, चलती हूँ, खुदा हाफिज, बाद में आऊंगी, अब जाती हूँ। ना, जा चुकी हैं आप, आप जा चुकी हैं हमारे लिए। क्या हुआ, क्या हुआ? सर दुख रहा है, हैं? दबा दें, हैं? थोड़ा हल्का हाथ रखिए। बदतमीज हो तुम, अपने आका से खिदमत करवाओगे? चलो उठो, हमें राज कायनात के उस दूसरे दरवाजे को खोलकर उस बर्फीले तूफान का सामना करना है जो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो फौरन उठो। चौक मेरे आका। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से एक जिनों में दो दो जिनों। ये सब तो आवे जमजम का असर है। या अल्लाह, मेरे जिनू के साथ रहना। तुम फिर शुरू हो गए? शुरू हो गए? नहीं आका, ये शुरू होने का नहीं, ये खत्म करने का वक्त है। अच्छाई को, भलाई को, इस पूरी कायनात को। बेहतरीन, बेहतरीन। बेहतरीन? क्या बेहतरीन? मुझे रात के अंधेरे से डर लगता है, लेकिन अगर अगली शहर कहर लेके आए तो ये रात का अंधेरा भला। बकवास बंद करो। जाहिल कहेंगे। अरे दुनिया खत्म करने की बातें आप कर रहे हैं और कहते हैं मैं बकवास कर रहा हूँ। कमाल है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो क्या गया है तुम्हें? अरे मैं क्या बताऊं आका, जब से उस हैवाने हेबलिस को मारने के चक्कर में वो आप जमजम की दो तीन बूंदे मुझ पे पड़ी, तब से न जाने मुझे क्या हो रहा है। भी दिल करता है मैं आपके हुक्म की तामील करूं और इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूं,
कभी दिल करता है कि आपके इस बिस्तर पे लेटा रहूं और गर्मा गर्म केक के दूध पीऊं, जलेबी खाऊं। बताने मुझे क्या हो रहा है? हालत और हालात के सामने इंसान सर झुकाया करते हैं, और तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो। तुम अपने सर सिर्फ अपने आका के सामने यानी हमारे सामने झुकाओगे, इसलिए इस दुनिया को दिखाओ, अपने अंदर की बुराई को जगाओ, दिखाओ इस दुनिया को कि तुम सबसे ताकतवर हो। ये हमारा हुक्म है, जो हुक्म मेरे आका। जिनू भाई, चांद मोहर का जगमगाना बंद हो गया। आका, अब वो डरपोक भक्कड़ कभी बाहर नहीं आएगा। बेहतरीन बेहतरीन, वक्त काफी जाया हो चुका है हमारे गुलगुले, और उससे पहले कि तुम हमारे गुलगुले से साबुन के बुलबुले बन जाओ, हमें राज़े कायनात को दूसरे दरवाजे को जाकर खोलना चाहिए। नहीं आका, अब वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, अब हम दोनों इस दुनिया को तबाह करेंगे। बेहतरीन, हम दोनों राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को पार करके जाएंगे भी और तीसरे दरवाजे को खोलेंगे भी। दुनिया मरूद सी जिन बारूजा, शेख जिनू जफर के साथ जाने के लिए राजी हो गए। जिनू अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अगर उसके अंदर के बुरे जिन ने राजे कायनात का दूसरा दरवाजा खोल दिया तो गजब हो जाएगा आका। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते। जिन्हों एक पल के लिए भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, हमें उनका पीछा करना चाहिए। आका, आप लोग चलिए, मैं जफर के कमरे से अपनी अंगूठी लेके आता हूं।
मेरे से फिर से झटके आने लग गए हैं। आका, जिनू, रात के जिन ये नाचना बंद करो और होश में आओ। होश में मैं हूँ, खुद देखिए कितनी लगा रखी है और मुझसे कह रहे हैं मैं होश में हूँ। तुम्हारे कान के नीचे एक लगाएंगे। हम यहाँ इतने जरूरी काम से जा रहे हैं और तुम जरूरी काम क्या? हम शीरकोर में खाने जा रहे हैं। हमें एक बात समझाओ, इतना खाना खाने के बावजूद तुम्हारे पेट में फिर भी जगह रह जाती है कि तुम हमारा दिमाग खाओ? बहुत हो गया, सफर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जिनू से ऐसे बात करेगा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं चीनी मिनी, काले चोर, अपने जज्बातों पर काबू रखो, अभी सब्र करो। हम सफर को मजा चखाएंगे पर अभी नहीं। ए खुदा, ये कैसी नाइंसाफी है तेरी। चोर उचक्कों की किस्मत बदल गई पर नाजनीन, नाजनीन की तकदीर वैसी की वैसी है। वजीर आला का खास बनने के लिए इतनी जद्दोजहद की नाजनीन ने। देखो बेगम, मेरी मानो, ये वजीर आला का खास बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो, मेरी तरह चप्पल चुराने के ख्वाब देखना शुरू कर दो। नहीं 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 तुम्हें तो मैं दिखाती हूँ। मेरी जिंदगी को काला करने वाली तू गोरी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो, अरे हटो। कुछ भी चांद में दाग दो पद। नाज़नीन सोच रही है हमारे पास साफ पानी के इतने बर्तन थे, तभी चेहरा धो लिया होता तो ये चांद सा चेहरा तभी खिल गया होता। तुम्हारे साथ रह रह के ना मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर गया है। बेवकूफ हो गई नाज़नीन, बेवकूफ। इसमें क्या शक है? मेरा मतलब है देर आए दुरुस्त आए। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कसम सोने की अशर्फियों की, कहीं उस महबूस काले चेहरे की वजह से तो वजीर आला मुझसे नहीं चिढ़ रहे थे। हो ना हो, अब इस खूबसूरत गोरे चिट्टे हसीन तरीन चेहरे के साथ वजीर आला का खास बनने का मुहिम नाज़नीन फिर से ऐलान करती है। वजीर आला, अब नाज़नीन के हुस्न से कैसे बचोगे भला? वजीरे आला। ओह कमाल है आका, मैं यहाँ इतनी मेहनत से उस भुक्कड़ उस डरपोक जिनको अपने अंदर जब्त कर रहा हूँ ताकि मैं आपको उस राज़े कायनात तक। नीले की जाऊ? अरे आप क्या, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे अजीबो गरीब आका, अजीबो गरीब आका, ये मैं क्या कह रहा हूं? राजे कायनात, मैं आ रहा हूं। नहीं, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तो घर है नहीं, मैं तो महल में रहता हूँ। आका, टट 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 टट, नहीं नहीं आका,
आप ऐसा मत करिए, बुढ़ापे में अगर ऐसा किया तो कहीं हड्डी टूट ना जाए। बस अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं रुक सकता। काले चोर, तुम्हें रुकना होगा। लक्ष्मी, मुझे जाने दो। नहीं काले चोर, अगर तुम गए तो जफर को पता चल जाएगा कि हम उसका सच जानते हैं, और उसे ये भी पता चल जाएगा कि अली ही अलादीन है। तो मैं क्या करूं? मैं जिनू की मदद कैसे करूं? या अल्लाह, जिनू बहुत दर्द में है।